Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. Hi friends, welcome to the desk. Deva English Spoken Class. Friends, पिछली क्लासेस में मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव इंटरोगेटिव एंड क्वेश्चन वर्ड पढ़ाया था और उसमें यूज होने वाले इन्फिनिटिव के बारे में भी आपको बता दिया है. तो आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही आने वाले बिगिन और स्टार्ट वाले सेंटेंसेस के बारे में जानेंगे. ठीक है फ्रेंड्स, तो लेट्स स्टार्ट द क्लास ऑफ द डे. फ्रेंड्स, मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आपको बताया था कि बिगिन और स्टार्ट का इस्तेमाल हम किस तरह के सेंटेंसेस के लिए करते हैं. तो आज हम प्रेजेंट परफेक्ट वाले सेंटेंसेस में बिगिन और स्टार्ट का इस्तेमाल सीखेंगे. ठीक है फ्रेंड्स, कम देखिए, स्टार्टेड एंड बिगन. जैसा कि आपको पता है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमेशा V3 यानी कि वर्ब का थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होता है, इसलिए हम स्टार्ट और बिगिन में भी उसका थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे. तो जब सेंटेंस के अंत में लगा है, लगी है, लगे हैं, लगा हूँ, इस तरह का रहता है, तो हम उस तरह के सेंटेंसेस को स्टार्ट और बिगिन से शुरू करते हैं या बनाते हैं. जैसे वह स्कूल जाने लगा है, वह स्कूल जाने लगा है, हम बोलते हैं ना वह स्कूल जाने लगा है, वे लोग खेलने लगे हैं, वो सिगरेट पीने लगा है, मतलब इस तरह के हम सेंटेंसेस बोलते हैं. या इस तरह के सेंटेंसेस को हम इस तरह से भी उच्चारण कर सकते हैं कि वह स्कूल जाना शुरू कर दिया है या उसने स्कूल जाना शुरू कर दिया है, हम इस तरह से भी बोल सकते हैं. और वह स्कूल जाने लगा है, इस तरह से भी बोल सकते हैं. दोनों ही तरह के सेंटेंसेस का अर्थ एक ही होता है. ठीक है फ्रेंड्स, तो वह स्कूल जाने लगा है, ही हैज स्टार्टेड टू गो टू स्कूल. या ही हैज बिगन टू गो टू स्कूल. और जैसा कि मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बताया था इसका इस्तेमाल करते वक्त कि अगर हम टू यहां पर नहीं लगाएंगे तो उसमें हम वर्ब के साथ आईएनजी लगाते हैं. जैसे हम एक सेंटेंस बनाकर दिखा देते हैं. ही हैज स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल. इस तरह से अगर हम यहां पर टू का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो यहां पर गो के बजाय गोइंग मीन्स आईएनजी लग जाएगा. यहाँ के वर्ब जो यहां पर स्टार्ट और बिगिन के बाद जो वर्ब आता है उसमें हम आईएनजी लगाएंगे अगर टू नहीं लगाएंगे तो. अगर टू लगाते हैं तो फिर आईएनजी नहीं लगेगा. ठीक है फ्रेंड्स, तुम्हारा भाई सिगरेट पीने लगा है. तुम्हारा भाई सिगरेट पीने लगा है या तुम्हारा भाई सिगरेट पीना शुरू कर दिया है, इस तरह से हम दोनों तरह से बोल सकते हैं. तो इसका इंग्लिश होगा योर ब्रदर हैज स्टार्टेड स्मोकिंग. यहां पर मैंने टू नहीं लगाया इसलिए यहां डायरेक्ट मैंने आईएनजी लगा दिया है. या योर ब्रदर हैज बिगन टू स्मोक. ठीक है फ्रेंड्स, अब हम इसमें नेगेटिव लेते हैं कि उसने वह स्कूल नहीं जाने लगा है. मीन्स यूजली हम लोग इस तरह के सेंटेंस हिंदी में नहीं बोलते हैं कि वह स्कूल नहीं जाने लगा है. हम लोग ऐसा बोलते हैं कि उसने स्कूल जाना शुरू नहीं किया है. हम इस तरह से भी बोल सकते हैं कि उसने स्कूल जाना शुरू नहीं किया है. तो ही हैज नॉट स्टार्टेड टू गो टू स्कूल. क्या उसने स्कूल जाना शुरू कर दिया है या
क्या वह स्कूल जाने लगा है, इस तरह से हम अगर सेंटेंस बोलेंगे कि क्या वह स्कूल जाने लगा है, तो नेक इंट्रोगेटिव होगा ये इंट्रोगेटिव, तो हैज ही स्टार्टेड टू गो टू स्कूल। ठीक है फ्रेंड्स, इसका आप एक बार लिख लेना और देख लेना, समझ लेना, मैं इसे मिटा रहा हूँ। वह ऐसा क्यों करने लगा है, वह ऐसा क्यों करने लगा है, तो व्हाई हैज ही स्टार्टेड टू डू सो। ये क्वेश्चन वर्ड है, तो क्वेश्चन वर्ड में भी हम जितने भी क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उसमें हम सेम का सेम मतलब वैसे ही लिखेंगे, बस जो उसका फॉर्मूला है क्वेश्चन वर्ड और इंट्रोगेटिव का उसका हम इस्तेमाल करेंगे। बाकी ये जो वर्ब है स्टार्टेड ही लगेगा यहाँ पर, यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा, और यहाँ हैज जैसा हैज हैव लगता है वैसा हैज हैव लगाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में स्टार्ट और बिगिन का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं और किस तरह के सेंटेंसेस के लिए करते हैं। इतना समझना ज़रूरी है फ्रेंड्स कि वह स्कूल जाने लगा है या वह हंसने लगा है या उसने हंसना शुरू कर दिया है, दोनों सेंटेंस एक ही होते हैं, बस बोला जाता है अलग अलग तरीके से, बट इंग्लिश एक ही तरीके से बनाएंगे हम। वह हंसने लगा है या उसने हंसना शुरू कर दिया है, ही हैज स्टार्टेड टू लाफ। सिंपल है, बहुत ही सिंपल है फ्रेंड्स। ओके, तो हम कुछ और सेंटेंसेस पर नज़र डालते हैं। वह अंग्रेजी बोलने लगा है, ही हैज स्टार्टेड टू स्पीक इंग्लिश। उसका भाई क्रिकेट खेलने लगा है, हिज ब्रदर हैज बिगन टू प्ले क्रिकेट। वे लोग झगड़ा करने लगे हैं, दे हैव स्टार्टेड क्वारेलिंग। तुम वहाँ क्यों जाने लगे हो, व्हाई हैव यू स्टार्टेड गोइंग देयर। राहुल मीट खाने लगा है, राहुल हैज स्टार्टेड टू ईट मीट। ओके फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि बिगिन और स्टार्ट का इस्तेमाल हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस में किस तरह के सेंटेंसेस में करते हैं। तो अब तक हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक्स अ लॉट, धन्यवाद।